Very good morning students, I am your maths teacher and today I am going to teach you maths of class 1 and today we continue chapter 7 subtraction of numbers and today we do exercise 7.3. ये एक्सरसाइज बच्चों आपको नोटबुक में करनी है डू ए नोटबुक नाउ सी इन द बुक दिस इज योर मैथ्स बुक मैथ्स ऑफ क्लास 1 नाउ ओपन एक्सरसाइज 7.3 सी हियर दिस इज द एक्सरसाइज 7.3 एंड पेज नंबर 59 देखो क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग ऑन फिंगर्स हमने अपने फिंगर्स पे काउंट करके इन्हें क्या करना है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है तो देखिए इन क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी में हमें किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रही हूँ तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं सभी अपनी नोटबुक में करेंगे ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ए पार्ट कर रहे हैं हम अभी सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग ऑन फिंगर्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 माइनस 2 यानी 5 में से हमें 2 माइनस करना है तो हमें फिंगर्स पे काउंट करना है तो 5 हम अपने फिंगर्स पर पहले 5 काउंट करेंगे तो चलिए हम 5 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ये 5 फिंगर्स हो गई हमारी अब इसमें से हमें माइनस करना है 2 यानी 2 फिंगर्स हम डाउन कर देंगे 1 2 तो बच्चे ये कितनी फिंगर्स बची 1 2 3 हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया अब इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस 3 तो पहले हम 4 फिंगर्स काउंट करेंगे अपनी देखिए 1 2 3 एंड 4 ये 4 फिंगर्स हैं हमारी अब कितना माइनस करना है बच्चों 3 तो 3 फिंगर्स हम डाउन कर देंगे 1 2 एंड 3 तो कितनी फिंगर्स बची है 1 तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 यानी 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 1 नंबर बचेगा इसी तरह से देखिए ये है 6 तो हम 6 फिंगर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 हैं अब इसमें से हमें कितना माइनस करना है 1 तो ये 1 हमने हटा दी तो कितनी फिंगर्स बची बच्चों इन्हें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 तो कितनी फिंगर्स हैं ये 5 फिंगर्स यहाँ 5 लिखेंगे इसी तरह से नीचे देखिए ये कितना नंबर है 8 तो हम 8 फिंगर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये आपको 8 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं अब इसमें से हमें कितना माइनस करना है 6 तो 1 2 3 4 5 6 कितनी बची 2 फिंगर्स 1 2 तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 2 इसी तरह से देखिए नेक्स्ट ये है 7 नंबर 7 में से हमें माइनस करना है 4 तो पहले हम 7 फिंगर्स काउंट करेंगे बच्चों अगर नंबर बड़ा होता है तो हम ये जो हमारे देखो ये डिवीजन है फिंगर में इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं
जब ज़्यादा नंबर होते हैं, 5 से ज़्यादा होते हैं, तो हम ये फिंगर्स, ये डिवीज़न है छोटे छोटे पार्ट्स, तो कोई बीच में लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये पार्ट्स हो गए हमारे फिंगर के 3 पार्ट्स, 1, 2, 3, तो हम ये पार्ट्स भी हम अपने फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 7 है, तो ये 2 क्वेश्चन में आपको इससे भी दिख बता देती हूँ कैसे हम काउंट करेंगे। 7 है बच्चों, तो हम 7 पार्ट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे हम उंगली रख लेंगे अपनी। 7 हमने यहाँ तक काउंट कर लिया, अब माइनस करना है हमें 4, तो यहाँ से हम कट करते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये कट गया सर। अब ये कितने बचे, 1, 2, 3, 3 डिवीज़न। थ्री लिख देंगे। इसी तरह से देखो ये है 9, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गए हमारे। ये छोटे छोटे पार्ट्स हमने 9 काउंट कर लिए, और इसमें से कितना माइनस करना है, 2, तो 9 हमारा यहाँ तक है, तो 1, 2, ये हमारे इतने कट हो गए। अब यहाँ से हम जो बचे हुए हैं उन्हें हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना आंसर आया, 7, हम यहाँ 7 लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी बुक में देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, और आपकी बुक में लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 12 तक हैं, 1 to 12, तो मैंने आपको यहाँ तक किया है 6 तक, 7, 8, 9, 10 and 11, 12, ये बाकी के भी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, 1 से लेकर 12 तक ये आपको सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। अब इसके बाद देखिए हम करेंगे बी पार्ट, टर्न द पेज, पेज नंबर 60, ये है पेज नंबर 60, ये हम बुक में ही फिल कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये बॉक्स बने हुए हमें आंसर दे देंगे इसमें। ये 2 है माइनस 1, अब 2 फिंगर में से हम 1 फिंगर कम कर देंगे, तो देखिए जैसे हमने अभी पीछे किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। 2 फिंगर्स काउंट कर लेते हैं, 1, 2, अब माइनस क्या करना है, 1, तो 1 फिंगर हम हटा देते हैं, तो ये कितनी फिंगर बच गई, 1, ये हम यहाँ 1 लिखेंगे। इसी तरह से 3 में से माइनस करना है 1, तो पहले हम 3 फिंगर्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, ये 3 फिंगर्स हो गई, इनमें से माइनस करना है 1, तो 1 फिंगर हम नीचे कर दी, तो कितनी बच गई, 1, 2, यहाँ लिखेंगे हम 2। इसी तरह से देखो ये 9 है, 9 में से हमें 4 माइनस करना है। अब ये देखो नंबर बड़ा है, तो हम ये छोटे छोटे पार्ट्स को काउंट करेंगे, तो 9 पार्ट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पार्ट्स हो गए यहाँ तक। अब हमें माइनस करना है 4, तो यहाँ से हम कट करते जाएंगे 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ तक कट गया। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे बैग में कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। देखिए यहाँ पे 9 है, 9 में से माइनस करना है 3, तो 9 फिर से हम काउंट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब 9 में से कितना माइनस करना है, 3, देखो यहाँ तक था 9 हमारा, अब यहीं से हम बैक जाएंगे, यानी कि 3 नंबर्स काउंट करेंगे, कट कर देंगे, 1, 2, 3,
ये पूरा कट गया, तो ये कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ 6 लिखेंगे, 8 माइनस 7। तो पहले हम 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है हमारा 8। अब माइनस कितना करना है बच्चों, 7। तो हम यहाँ से बैक में जाके 7 कट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक सब कट गए। कितना बचा ये, 1। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 7 में से माइनस करना है 1। तो पहले हम 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आज इसमें से 1 माइनस करना है, तो 1 को ही हमने हटा दिया, तो ये कितने बच गए, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.3 इज कम्प्लीटेड, मतलब आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।